Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for CAT 2024 exam, because in this video, I am going to discuss actual quant questions asked in CAT 2023 slot 2. And guys, this is part 2. Guys, part 1 में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज पार्ट 2 में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. गाइज, ये कैट के एक्चुअल क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं. ये आपको कैट में भी हेल्प करेंगे, नॉन कैट में भी हेल्प करने वाले हैं. गाइज, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड पूरा देखना. चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, खुद आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं. गाइस, ये हम लोगों के टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं. कैट प्रिपरेशन का व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, इनके लिंक्स आपको मैं कमेंट सेक्शन में दूंगा. प्लस हम लोग अभी रिसेंटली कैट एंड एमबीए का बैच 2 लॉन्च हुआ है गाइस, पूरा प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ. एक्चुअली ये 22 से स्टार्ट हुआ है, तो ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास, आप चेक कर सकते हो. ठीक है, बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है. चलो गाइस, तो गाइस ये पहला क्वेश्चन क्या है. द प्राइस ऑफ अ प्रेशियस स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट. सीता हैज अ प्रेशियस स्टोन वेइंग 18 यूनिट्स. इफ शी ब्रेक्स इट इनटू 4 पीसेस विद ईच पीस हैविंग डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वेट, देन द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द टोटल प्राइस ऑफ द 4 पीसेस विल बी 2,88,000. Then the price of the original precious stone. So guys, simple सी definition क्या बोली गई है? The price of precious stone is directly proportional to the square of its weight. तो p is equal to आप बोल सकते हो k into w square. अब उसका weight जो stone है, उसका weight 18 units है. तो p is equal to कितना हो जाएगा? k into 18 square is equal to 324k. Price आपका 324k. If she breaks it into 4 pieces. With each piece having distinct integral weight, ठीक है. Then the difference between the highest and lowest possible values of the total price will be difference होगा 2,88,000. तो क्या देखो, आपका इसमें अगर हम लोग उसको ब्रेक करें 18 को, तो क्या जब नंबर एज क्लोज एज पॉसिबल होते हैं तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है. तो क्या 18 को आप ब्रेक करो, 18 को ब्रेक करोगे कैसे ब्रेक करोगे? एज क्लोज एज पॉसिबल. अगर आप 18 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4, 4 या 16. अगर आप ये देख के चलो 3, 4, 5 एंड 6, अगर इनको आप ऐड करोगे तो 18 आएगा. इसका स्क्वायर कितना आएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये कितना आया? 36 प्लस ये आपका जाएगा 25 50 50 प्लस 36 86. तो गाइस 86 यहाँ पे ऐड आया, तो मतलब आपका यहाँ पे प्राइस आ गया पी स्क्वायर टू के इंटू 86. एक्चुअली अभी क्या था, पहले जो हमने 18 रखा था ये बिना ब्रेक किया हुआ था. अब जब ब्रेक हो रहा है तो आपके 18 के 4 पीस इस तरह के हो गए, एक आपका 3 यूनिट्स, एक 4, एक 5, 8, 6. तो इनका स्क्वायर का एडिशन होगा. तो ये आपका 86 की आया रिलेशन प्राइस पे, ठीक है. और दूसरे केस में इसी 18 को ब्रेक करेंगे हम जब हमारा एज लार्ज एज पॉसिबल हो, तो वो कैसे होगा? वो आपका होगा 1, 2, 3 को पास में कर दो, ठीक है, और एक को बहुत दूर कर दो, ठीक है. तो ये आपका हो जाएगा 12. 1, 2, 3, 12 का सम 18 आता है. इनका स्क्वायर करो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 144 इज इक्वल टू 158k, ठीक है. ये आपका हो जाएगा 158k माइनस 86k. इसका डिफरेंस कितना दिया गया है? ये दिया गया 2,88,000, ठीक है. इसको अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 72k इज इक्वल टू, के आपका आ गया 4,000, के आपका 4,000 आ गया. तो गाइस प्राइस क्या आया ओरिजिनल का? 324 इंटू 4,000. तो ये आपका आएगा 1,296,000. अनिल बोरोज रुपीज 2 लाख एट एन इंटरेस्ट ऑफ रेट इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ही रिपेज 10,32,10,320 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. तो गाइस एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर का ये अमाउंट कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2 लाख इंटू, ये लैक्स में आपका 2 लाख इंटू 1.04 का स्क्वायर. ये 1.04 कैसे हुआ? तो ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, एक साल के लिए टाइमिंग डबल हो जाएगी, रेट हाफ हो जाएगा. ये आपका क्या आ जाएगा? 1.04 इंटू 1.04 कैसे करेंगे? 10400 प्लस ये आपका आ जाएगा 416.
ठीक है, 10816 ऐसा कुछ आ गया, ये आपका आ गया 1.01.08 एक तरह से मान, ठीक है, देवी तरह से आ गया 2.16, पूरे मल्टीप्लाई कर दो, आगे दिक्कत आएगी बन, तो 2 से मल्टीप्लाई करो उसको कितना आएगा, क्योंकि एक्चुअली 2 लाख है ना, इसलिए 2 6 12, 2 8 16, 1 2 16 32, 2 16 320, ठीक है, ये आपका आया 1 साल बाद इतना, बट इसमें से आप 10,320 दे चुके हो, 10,320 आप दे चुके हो, तो आप क्या होगा, तो आपका कितना बचा, 10,320 आपने दे दिया, तो ये बचा 2,06,000, ठीक है। अब ये 2,06,000 में फर्स्ट ईयर के एंड में जो है, इसका थर्ड ईयर के एंड में क्या हो जाएगा, 2,06,000 कुछ हम वो करेंगे थर्ड ईयर के एंड में, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगेन आपका आ जाएगा 2 साल का, तो 0.1.04 का की बार 4, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ये चीज आपकी आ गई, इसको कैसे आपको एक बार सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार, जब इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा कैट में कैलकुलेटर यूज कर लेना, ये आपका आ जाएगा 2,40,990.86 ऐसा आ गया ये, ठीक है, तो मतलब एक तरह से ये आपका आ गया 2,40,990.86। अब गैस आप थर्ड ईयर के में इतना पे करने वाले हो, आपने लोन लिया था 2 लाख का, तो ये कितना ज्यादा है, 2 लाख से ये ज्यादा है 40,990.86, ठीक है, बट आपने बीच में कितना दिया था, बीच में आपने 10,320 भी दिया था, तो एक्चुअली आपने पूरा अमाउंट ये प्लस 10,000 वाला अमाउंट, इसमें ये 10,000 भी ऐड होगा, ठीक है, तो इसको जब ऐड करोगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 51,311, तो बस आप ये देखो कि आपके पॉकेट से कितना पैसा गया, आपने फर्स्ट ईयर के एंड में 10,320 दिया, फिर थर्ड ईयर के एंड में आपने कितना दिया, 2,40,000 इतना, तो टोटल मिला के ये अमाउंट प्लस 10,000 इतना आपने दिया, और आपको देना कितना चाहिए था, 2 लाख, एक्स्ट्रा कितना दिया आपने, 51,311, तो ये आपका आंसर आ गया, इजी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, अगर कंसेप्चुअली क्लियर हो तो हो जाएगा। जयन बॉट ए सर्टेन नंबर ऑफ व्हाइट शर्ट एट द रेट ऑफ 1,000 रुपीज पर पीस एंड ए सर्टेन नंबर ऑफ ब्लू शर्ट एट द रेट ऑफ कितना पर पीस, फॉर ईच शर्ट ही देन सेट ए फिक्स मार्केट प्राइस विच वॉज 25% हायर देन द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द शर्ट्स। गाइस एवरेज कॉस्ट अगर शर्ट की 1 रुपीज है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 25% हायर, यह आपका हो गया 1.25x, ठीक है। अब गाइस देखो, अगर मान लेते हैं इसने व्हाइट शर्ट पी क्वांटिटी ली है एंड क्यू क्वांटिटी ली है ब्लू शर्ट, ठीक है, तो टोटल टोटल अमाउंट कितना है, तो आगे देखते हैं क्या, ही सोल्ड ऑल द शर्ट्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड मेड ए टोटल प्रॉफिट ऑफ कितना। तो गाइस पहली चीज तो ये है कि जो एवरेज सेलिंग प्राइस है ये कैसे आएगा, ये क्या है, एक्स है, सॉरी एवरेज जो प्राइस है एक्स है, और यहाँ पे अगर हम प्रॉपर में देखें तो टोटल क्या हो रहा है, 1,000 × P प्लस 1,125 × Q, ठीक है, इज इक्वल टू एक तरह से हो रहा है P प्लस Q इंटू एवरेज प्राइस, तो एक तरह से ये रिलेशन इधर से आया, मतलब यहाँ पे अगर हम एक P क्वांटिटी व्हाइट शर्ट है, Q क्वांटिटी ब्लू शर्ट है, तो टोटल प्राइस कितना है, टोटल कॉस्ट 1,000 P प्लस ना, और दूसरी तरफ से आप बोल रहे हो कि एक्स एवरेज प्राइस है सारी शर्ट्स का, तो एवरेज प्राइस इंटू टोटल क्वांटिटी कर देंगे, भी तो ये दोनों चीज आपस में बराबर रहेंगे, ऐसे मान सकते हो आप, ये वही चीज, अगर आप P प्लस Q को नीचे भेजोगे तो इधर से वेटेड एवरेज बन गया, तो अभी ये लिखा रहे हैं, ही सोल्ड ऑल द शर्ट्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो गाइस 1.25 इसने मार्केट प्राइस रखा, 1.25 आप क्या बोल सकते हैं, 5/4 इंटू डिस्काउंट 9/10, ये आ गया 9x/8, ये आ गया प्राइस, तो 9x/8 सेलिंग प्राइस है, ठीक है, शर्ट का, और कितनी शर्ट है इसके पास, टोटल 9x/8 इंटू पी प्लस क्यू, ठीक है, माइनस कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी ये इक्वल टू, ये आपका आ गया 51,000, ठीक है, यहां से आप क्या कर सकते हो, ये एक्स पी प्लस क्यू को ब्रैकेट में ले लो, बाहर ले लो, एक्स पी प्लस क्यू बाहर आ गया, ये हो गया आपका 9/8 माइनस 1, तो इधर से इंटू 1/8 इक्वल टू 51,000,
51 है ना, तो x इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 8 इंटू 51,000। x इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 8 इंटू 51,000, ये आपका हो गया बस। ठीक है गाइस, आप क्या बोलोगे, इफ ही बॉट बोथ द कलर शर्ट्स देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, अब गाइस देखो, x इंटू पी प्लस क्यू एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली आपका 1000 p + 1125 q है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, इसकी जगह लिख सकते हो 1000 p + 1125 q। तो करते हैं, एट इंटू ये, अब गाइस यहां पे अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो कैसे कैंसिल होगा ये, इसको अगर 25 से काटो, इसको 5 से काटो, 5 4 20, 5 2 10, 5 2 10 फिर से। ठीक है, ये 5 225 आएगा ये। ठीक है, इक्वल टू ये आप कैंसिल कर दो उसको, ये आपका आ जाएगा 8 इंटू 51 इंटू 5 से काटोगे तो आ जाएगा 200। ठीक है, गैस थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ना, क्लियर नहीं रहेगा, राइट साइड में थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जरा क्लीन कर लेते हैं इसको, बाकी यार देखो क्वेश्चन कैट के जो आते हैं अंदर से क्लैरिटी होना जरूरी है, अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया अंदर से नहीं प्रैक्टिस करी क्वेश्चन की, दिक्कत कैट में आएगी, बट ये भी बात है लेंथी क्वेश्चन हो तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या देखो, हमको बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके पी एम क्यू की निकालनी है वैल्यू, ये आपका आ गया 25 से कैंसिल करो, 25 क्या आएगा 8 जा, ये क्या आएगा 25 9 जा इक्वल टू 25 कितना जा जाएगा 25 अगेन 8 जा है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 64 इंटू 5 कितना जाएगा 300, 320, 3264, तो 8p + 9q इक्वल टू 3264। अब गैस अगर हम पी क्यू को 0 रखेंगे तो हमको p इंटीजर मिल जाएगा, तो क्योंकि क्यू 0 पे आ रहा है तो क्यू 8 पे भी आएगा, तो क्यू जब 8 रखोगे तो क्या आएगा, p 8p कितना हो जाएगा 3264 - 72, 8 से काटो उसको, 8 4 32 0 8 -9, ये आ गया 399, तो मुझे पी मिल गया 399 एट क्यू इक्वल टू 8, राइट। पी प्लस क्यू वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया कि 407, यही पूछी गई। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लीनियर इक्वेशन भी ऐड हो गई है और लीनियर इक्वेशन के साथ साथ आपका अर्थमेटिक भी आ गया। तो बस आपको लास्ट में बस एक क्वेश्चन देखी गई, आपको बोला क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, पी प्लस क्यू की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, बस ये निकालना है आपको, ये आपका 407 आ जाएगा। ठीक है, तो गैस यहाँ पे लॉजिक यही था कि पी, क्योंकि पी के पास छोटा कोफिशियंट है तो हम क्यों वो ट्राई कर रहे हैं, पी जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना अच्छा है इसलिए। ठीक है, वो चीज है बस, तो उस वजह से क्यू जितना कम से कम रखोगे उतना बड़ा ये आएगा, और जितना बड़ा राइट साइड आएगा उतना बड़ा पी होगा, अगर राइट साइड वाला पार्ट छोटा करते जाओगे तो पी पी भी छोटा हो जाएगा आपका, ये चीज है बस। ये कंटेनर हैज 40 लीटर्स ऑफ मिल्क, देन 4 लीटर्स ऑफ मिल्क आर रिमूव फ्रॉम द कंटेनर एंड रिप्लेस विद 4 लीटर्स ऑफ वाटर, दिस प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग रिप्लेसिंग 4 लीटर्स ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कंटिन्यूड रिपीटेडली। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डूइंग दिस प्रोसेस आफ्टर विच द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द कंटेनर बिकम्स लेस देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो गाइस यहां पे क्या हो जाएगा, बाहर से आपके वाटर आ रहा है, मिल्क क्या हो जाएगा, फाइनल मिल्क इज इक्वल टू इनिशियल मिल्क इंटू 1 माइनस। देखो यहाँ पे क्या है, अब गाइस देखो हमको बताना है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स एट विच वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द कंटेनर बिकम्स लेस देन वाटर, मिल्क वॉल्यूम वाटर से कम हो जाएगा, दोनों बराबर होंगे 20 20 पे। ठीक है, तो हमको लेस देन 20 के देखना है मेनली, इनिशियली मेरा मिल्क 40 है, 40 इंटू
नाइन बाई टेन की पावर एन स्मॉलर देन 20, तो ये आ जाएगा 9/10 की पावर एन स्मॉलर देन 0.5। तो गाइस एन की वैल्यू कैलकुलेटर से ही कर पाओगे आप, कैट में याद रखना कैलकुलेटर मिलता है, भूल मत जाना। ऐसा ट्राई करो, टाइम लगेगा, बस एन इक्वल टू 7 आएगा। और मुझे लग रहा है शायद मुझसे धोखे से कॉपी हो गई, बट ये स्लॉट वन का क्वेश्चन है, बट शायद स्लॉट वन स्लॉट टू में सेम क्वेश्चन आ गए होंगे मे बी, क्योंकि टाइम नहीं रहता नहीं डिस्कस करने का, हो सकता है एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन दे दिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये इजी क्वेश्चन लगा है, बस हमें कैलकुलेटर यूज करना है आपको। इफ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड इक्वली अमंग एन पर्संस, ईच वन रिसीव्स 352। तो गाइस टोटल मनी कितना है, टोटल मनी है 352 एन। हाउएवर इफ टू पर्सन रिसीव 506 ईच, अगर दो लोग 506 ले रहे हैं तो कितना मिल रहा है उनको, ये मिल रहा है उनको। एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द अदर पर्संस, and the remaining amount of is divided equally among other persons, remaining amount कितना बचा 352n में से 1012 माइनस कर दिया, तो कितने बंदों में डिवाइड होगा वो n माइनस 2 में, उस केस में हर एक को 330 मिलेगा, लेस देन और इक्वल टू 330, मतलब दो लोग को इतना मिला, टोटल इतना मिलना था, इसमें इसको माइनस करोगे तो ये आएगा आपका, इतना आपका बचा। अब इसको डिवाइड किया जा रहा है बाकी दो लोगों को छोड़ के बाकी सब में, इसकी वैल्यू 330 से कम आ रही है, ये आपका हो जाएगा स्मॉलर देन इक्वल टू 330 एन माइनस 660, 22 एन स्मॉलर देन इक्वल टू 1012 माइनस 660 5, ये आपका आ जाएगा 9 माइनस 6 315, एन एन से इसको कट करो 2 से, पहले 2 से कर दो, 11 एन इज मोर देन इक्वल टू 11 बन जाए 11 11 6 जा, तो एन इज मोर देन इक्वल टू 16 आ रहा है गाइस, 16 ही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि अगर एन स्मॉलर देन खाली होगा 16 इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ लेस देन बोलता तो आप लिखते एन स्मॉलर देन 16 तब आंसर 15 आता, बट अभी आंसर क्या आ रहा है 16 आ रहा है, ठीक है। इन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू 9, बी सी इज इक्वल टू 6, पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स, टू पॉइंट्स ऑन बी सी, सच दैट एरियाज ऑफ फिगर्स ए बी बी ए पी क्यू एंड ए क्यू सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ए बी आपका 9 दिया है, बी सी आपका 6 दिया है, पी एंड क्यू आर टू पॉइंट्स ऑन बी सी, सच दैट एरियाज ऑफ द फिगर्स ए बी पी ए पी क्यू एंड ए क्यू सी डी, ए क्यू सी डी ठीक है, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। इफ एरिया ऑफ द फिगर, मतलब आप बोल सकते हो कि ए क्यू सी डी जो है इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा ए बी पी इंटू ए पी क्यू, इफ द एरिया ऑफ ए क्यू सी डी इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी, ए क्यू सी डी क्या है 4 टाइम्स है ए बी पी, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ए पी क्यू आएगा, ये क्वेश्चन टाइप हो गया, कोई बात नहीं, बीच में आपका ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसा आएगा ए पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए बी पी इंटू ए क्यू सी डी, क्योंकि बीच में ये पड़ता है ना, 3 जीपी में है, मीट बीच वाला आपका बनेगा इस तरह। अब यहाँ पे आपको ए क्यू सी डी दिया है 4 टाइम्स ए बी पी, ए पी क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी पी, ठीक है। तो ए बी क्यू आपका 2 टाइम्स ए बी पी हो गया, अगर ए बी पी एक्स है गाइस, अगर ए बी पी एक्स है तो ए पी क्यू क्या है 2x,
ए क्यू सी डी क्या है? ये आपका 4x, ये तो हुआ ठीक है। ए बी पी क्या है आपका? ये एरिया है, वैसे एरिया ऑफ ए बी पी अगर एक्स है, एरिया ऑफ ए बी क्यू ये आपका हो जाएगा 2x, और एरिया ऑफ ए क्यू सी डी ये आपका हो जाएगा 4x। गैस ये आपका पूरा एरिया आ गया। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रेशियो ऑफ बी पी इज टू पी क्यू इज टू क्यू सी। हमको इनका रेशियो निकालना है, हमें बी पी इज टू पी क्यू इज टू क्यू सी का रेशियो निकालना है। ये निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। अब तो कहते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मेरे को पॉइंटर का इशू हो गया शायद, ठीक है। तो कहते यहाँ पे हम लोग बीपी निकालते हैं। ए बी पी आपको एक्स पता है, बीपी कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 9 इंटू बीपी इज इक्वल टू 4x, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। पहले काम करते हैं, पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो एक्स वैल्यू कैसे आएंगी, इन सबको ऐड कर दूं। ये आपका 7x इक्वल टू आ गया 54। कैसे? 9 से 54 पूरा एरिया ट्राइंगल है, इन सबका एरिया अगर ऐड करोगे 7x आएगा। एक्स आपका आ गया 54/7। बस अब गाइस आपको करना क्या है, आपको बीपी पीक्यू एंड क्यूसी निकालना है बस। तो गाइस वो कैसे करेंगे हम लोग, देखो आपको इतना माइंड में होना चाहिए कि ए बी पी आपका कितना है x, ठीक है, ए बी यू कितना है 2x, एंड ये एरिया कितना है 4x। अब थोड़ा क्लीन करते हैं जरा इसको, थोड़ा सा हॉश पॉश हो गया बट कोई बात नहीं, क्लियरिटी मिल जाएगी। तो गैस क्या किया हमने, बस हमने सबके ए जी पी लगा के एरिया का रिलेशन निकाला है, और फिर उसके बाद हमने सारे एरिया को ऐड करके इक्वेट कर दिया है 54 से, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। हाँ बस एक्स की वैल्यू आ चुकी है, तो हम सब सारे लेंथ निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है, इजिली। बाकी तरीके इसके और होंगे, बट स्टिल एक्स 54/7 है। एरिया क्या हो जाएगा इसका, ए बी पी का 1/2 इंटू 9 इंटू बी पी इक्वल टू, एरिया क्या है 54/7, क्योंकि एक्स ही है वो। ये हो जाएगा 9 6, तो बी पी आपका आ गया 12/7। पी क्यू क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 9 इंटू पी क्यू, इसका एरिया कितना है 2 इंटू एक्स, हमारा 54/7 है, 9 से काट दो, 9 6 2 वहां जाएगा 24, तो पी क्यू मेरा आ गया 24/7। अब गैस मेरा बचा है ए क्यू सी डी, ए क्यू सी डी, ए क्यू सी डी का एरिया कैसे आएगा, किसको ऐसे हम लोग करें, तो ये जो पार्ट है इतना, ये आपका बन गया 27 हाफ ऑफ रेक्टेंगल, प्लस जो बाकी पार्ट है ये आपका हो गया रेट एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू क्यू सी इंटू 9 इसको, ये कितना है अगेन 4 इंटू 54/7, 9 से काट दो, 3 प्लस क्यू सी बाई टू स्क्वायर टू 24/7 वहां भेज दोगे, तो क्यू सी आ जाएगा ये 24/7 माइनस 3 3/7 2 वहां जाएगा 6/7, 6/7 इन तीनों का रेशियो लो अगर आप, तो क्या आएगा 12/7 इज टू 24/7 इज टू 6/7, 6 से काट दो पूरे को 7 कट ही जाएगा, ये आ गया 2:4:1, ये आपका आंसर आ गया बस। तो गए तो वो कंसेप्चुअली देखा जाए तो क्वेश्चन टाइम बट लेंदी है, करना पड़ेगा, और गए सभी पर लेंदी आता है तो परसेंटेज भी ज्यादा मिलता है आपको कम उस पर। ये ट्राइंगल इज ड्रॉन विद इट्स वर्टिसेस ऑन द सर्कल सच दैट वन ऑफ इट्स साइड्स इज ए डायमीटर सी एंड द अदर टू साइड्स हैव लेंथ्स इन द रेशियो ए इज टू बी। इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज आर देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, गैस ये आपका सर्कल है, ठीक है, डायमीटर जो जो ट्राइंगल बन रहा है गाइस उसमें डायमीटर जो है ना वन ऑफ द साइड है, तो जैसे ये सेंटर है, ये आपका बन गया ट्राइंगल, ठीक है, ये ऐसे कुछ हो रहा है, ये आर है, ये आर है, और ये दिया गया है हमको अदर टू साइड्स रेशियो दिया गया ए टू बी, तो इसको आप मान लो ए के, इसको मान लो बी के, तो रिलेशन क्या आएगा, ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 2 आर का स्क्वायर,
के स्क्वायर क्या आ गया आपका, 4R² अपॉन A² + B² के स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, इफ रेडियस ऑफ सर्किल इज आर देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, अब क्या आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है वो क्या होगा, ये ए के है ये बी के, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 इनटू, और पहली बात क्या है ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा बिकॉज कभी भी डायमीटर जो बनाता है आपका सर्कमफेरेंस है वो आपका राइट एंगल होता है, बिकॉज यहाँ पे 180 होता है तो यहाँ पे हाफ होगा 90, ये ट्राइंगल होगा राइट एंगल है, तो आप क्या करोगे 1/2 इनटू ए के इंटू बी के, ये क्या हो गया ए बी के स्क्वायर बाई टू, के स्क्वायर ये था, ये आपका आ जाएगा 4R² AB / A² + B², ये आपका आंसर आ गया। ये मैं बोलूंगा थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ये कर सकते थे। ठीक है, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाउंडेड बाई वाई एक्सिस द लाइन x = 5 एंड द लाइन इतना, तो गाइस अगर आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ये है, ये आपका x = 5 ऐसे होगा तो लाइन ये बनेगी, और आपको बाउंडेड किससे बनाना है, वाई एक्सिस भी होना चाहिए जो कोऑर्डिनेट बनेगा, जो क्वाड्रिलेटर बनेगा, क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स होंगी, इसमें से ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए लाइन, उससे मिलके बनने वाला है। ठीक है, और गाइस ये एक मॉड फिगर है, तो गाइस यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, आपको पता है x - y x - y, तो x - y को ऐसे बोल सकते हैं > 0, x > अगर y ये मेरा, और x मेरा > 5 है। ठीक है गाइस, x को हमेशा > 5 लेंगे बिकॉज हमको क्योंकि यूज करना ही, तो डेफिनेटली इसके अंदर वाला ही एरिया होगा, बाहर वाला नहीं होगा, तो हम कंडीशन क्या लेंगे, एक बार इसको ग्रेटर में खोलेंगे, एक बार इसी को स्मॉलर में खोलेंगे, दूसरा कंडीशन रहेगा बट हमारा x > 5 ही रहेगा। पहली कंडीशन अगर लेते हैं हम लोग, तो मेरा क्या होगा, ये मेरा पॉजिटिव रहेगा और ये मेरा माइनस से ज्यादा रहेगा, तो +x - 5 = 2, 2x - y = 7, ये मेरी लाइन आ गई, और इससे लाइन क्या आ जाएगी, ये मेरा नेगेटिव में खोलेगा। ठीक है, और ये मेरा चेंज जाएगा, ये ऐसे हो गया, ये आपका आ जाएगा y = 7, तो गाइस y = 7 कहाँ पे होगा, ये 7 है तो ये y हो जाएगा y = 7, और गाइस ये लाइन क्या होगी, 2x - y = 7, जब y 0 रखोगे x आएगा 7/2 मतलब 3.5 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और जब x को 0 रखोगे y आएगा -7, ये तो गैस ऐसा कुछ आएगा, ये लाइन ऐसा कुछ जाएगी, तो गैस हमको किससे एरिया निकालना है, हमको एरिया इसका निकालना है, हमको चाहिए चारों लाइंस, ये और ये, हमको एक्चुअली एरिया इसका निकालना है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है हम लोगों को, और गैस ये क्या है, ये एक्चुअली ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है ये आपको, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी होगी गैस 14, और ये डिस्टेंस कितनी होगी गैस, ये लाइन जो y = ये आपका जो x = 5 है, और ये लाइन कैसे कट कर रहा है, x = 5 ये लाइन है, और ये लाइन कौन सी है, ये लाइन आपकी है 2x - y = 7, ये आपका आ जाएगा y = 3। ठीक है, ये आपका y = 3 है, तो गैस ये कितनी बची, 4 बची ना, तो ये पूरा 14, ये पूरा 4, तो क्या होता है एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट आपकी होगी 5, ये आ जाएगा 18 × 5/2 दैट इज 45, 45 आंसर आ गया। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा माइंड लगाना है बस, कि हम x > 5 में ही खोलेंगे बिकॉज हमको ये दोनों इंक्लूडेड चाहिए, अगर x > 5 करेंगे तो बाहर जाएगा रीजन, फायदा नहीं उसका। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ट्रिकी है, ग्राफ्स की नॉलेज होनी चाहिए गाइस, दैट बोथ द सीरीज A1 A2 एंड A3 B1 B2 B3 बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट, गाइस ये क्वेश्चन जैसे बोलता जाए वैसे करते जाओ, लेट बोथ द सीरीज A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ बोथ द सीरीज आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम इसका कॉमन डिफरेंस आप D1 मान लो, पहली वाली का इसका मान लो D2। ठीक है, तो A5 = B9 कैसे हो जाएगा, फिफ्थ टर्म मतलब हो जाएगा A+4D1 = B+8D2, ये मेरी आ गई पहली इक्वेशन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा A19 = B19, तो A+
18 डी वन इज इक्वल टू बी प्लस 18 डी टू, ये आपका आ जाएगा। इसको अगर हम इक्वेट करें तो क्या आएगा, ए डी टू माइनस 4 डी वन, ये पहली इक्वेशन है। ये मेरी दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए माइनस बी स्क्वल टू 18 टाइम्स डी टू माइनस डी, दोनों को इक्वेट करो आपस में, 18 डी टू माइनस 18 डी वन इक्वल टू ए डी टू माइनस 4 डी वन, ये आपका हो जाएगा 10 डी टू इक्वल टू 14 डी वन। डी वन बाई डी टू क्या आ गया, 5/7, राइट। तो गाइस डी वन बाई डी टू का रेशियो 5/7 है, और आपको पता है कि डी वन डी टू क्या है, ये आपके कॉमन डिफरेंसेस है, ये प्राइम नंबर्स, तो डेफिनेटली डी वन बाई डी टू 5 एंड 7 ही हो सकते हैं, बस मल्टीपल लोगों को प्राइम थोड़ी रह जाएगा। तो मुझे यहाँ से मिल गया डी वन इक्वल टू 5 एंड डी टू इक्वल टू 7, और यहाँ पे लास्ट में एक चीज और दी गई, बी टू इक्वल टू 0, मतलब क्या, ए प्लस सॉरी बी टू इक्वल टू बी प्लस डी टू इक्वल टू 0, और डी टू आपको 7 दिया गया, तो बी आपका आ गया -7, बी आपका -7। हमको निकालना है A11, हमको निकालना है A11 की वैल्यू। A11 कैसे आ जाएगा गाइस, अब गाइस देखो हम A के लिए निकाल सकते हैं किसी भी तरह से, आप कोई भी यूज करके निकाल सकते हो A की वैल्यू, जैसे A माइनस बी स्क्वायर ये दिया गया है, तो रख दो D2 माइनस D1 क्या हो जाएगा, 2, A माइनस बी स्क्वायर टू 36, और B आपका है -7, ये +7 वहां जाएगा कितना हो जाएगा, B आपका -7, तो ये वहां जाएगा हो जाएगा 36 माइनस 7 इक्वल टू 29, ए आपका 29 आ गया। अब A11 क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 D1, 29 प्लस 10 × D1 79 आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आपका आ गया 79। इफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 29 इक्वल टू 2 PQ माइनस 20 इक्वल टू 52 माइनस 2 PQ, देखो यहाँ पे अगर हम इनको इक्वेट करें पहले इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 PQ इक्वल टू, ये वहां जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 9, पी माइनस क्यू आपके हो जाएंगे +3 एंड -3, ये आपके हो गए, ठीक है। अब गाइस अगर हम इसी को इससे इक्वेट करें तो तब क्या होगा, पहली इक्वेशन थर्ड से अगेन आपका आएगा पी माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 20, वहां जाएगा 72 हो जाएगा, नहीं 81, तो पी माइनस क्यू स्क्वायर टू 9, और ये आपका -9, 9 और -9 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट करें बीच वाली इक्वेशन में तो क्या आएगा, 4 PQ इक्वल टू 72, पी क्यू आपका आ गया 18। अब गाइस पी क्यू अगर 18 है तो कैसे कैसे हो सकता है, पी क्यू 18 कैसे हो सकता है, 6 × 3, ठीक है। तो गाइस अगर -6 × -3 करें तो मुझे 18 मिलेगा, और -6 - 3 का एडिशन -9 होगा, ये वाला केस आएगा। तो एक तरह से आप पी को बोल सकते हो -6, क्यू को बोल सकते हो -3, तो आ जाएगा। और अगर आप 6 × 3 ब्रेक करो तो P आपका 6 है, Q आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। उस केस में क्या आ जाएगा, उस केस में P माइनस Q क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है, उस केस में आपका ये आ रहा है P माइनस Q। तो कैसे देखो आप इनको देखते हैं हम लोग करके, तो एक बार 6 एंड 3 रखते हैं तो क्या आएगा मेरा, 216 माइनस 27, ये कितना है आपका 60, काट दो 13, ये आपका आ जाएगा 189, ठीक है। और फिर अगर रखें -216 + 27, ये आ गया -189,
189 माइनस 189, इनका डिफरेंस क्या होगा? मैक्सिमम डिफरेंस, मतलब डिफरेंस तो यही है, ये इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? दिस माइनस ऑफ दिस 378, 189 में से 189 में से माइनस कर दो, माइनस ऑफ 189 प्लस हो जाएगा, नहीं 378 आ जाएगा। लेट ए एन एंड बी एन बी द टू सीक्वेंसेस सच दैट ए एन इज इक्वल टू 13 प्लस 6 टाइम्स एन माइनस 1 एंड बी एन इज इक्वल टू 15 प्लस 7 टाइम्स एन माइनस 1 फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स एन एंड द लार्जेस्ट थ्री डिजिट इंटीजर दैट इज कॉमन टू बोथ दीज सीक्वेंसेस। आपको ये निकालना है। चलो गाइस, चलिए गाइस, मेरे ख्याल से पॉज नहीं हो पाया था, गेट में कोई आ गया था तो चला गया था मैं, कोई बात नहीं। चलो गाइस, लेट ए एन एंड बी एन बी द टू सीक्वेंसेस, ये पढ़ चुके थे क्वेश्चन हम, ठीक है। और आप देखते हैं तो गाइस, यहाँ देखो आपके दो सीक्वेंस थे और ये सीक्वेंस लीनियर है, तो मतलब ये ए बी में होंगे, इनको अगर सॉल्व करोगे तो ए एन क्या आएगा? 13 प्लस 6 एन माइनस 6, 6 एन प्लस 7 है ये। बी एन सीक्वेंस क्या है? 7 एन माइनस 7। अगर आप ध्यान से देखो इन सीक्वेंस को, सीक्वेंस को निकालो, अगर एन को 1 रखो, 13 2 रखो, 23 रखो, 25, ये एपी सीरीज है विद कॉमन, सॉरी 3 रखोगे तो क्या आएगा? 1 रखेंगे 13 आएगा, 2 रखेंगे 19 आएगा, ठीक है, 3 रखेंगे 25 आएगा, ठीक है। ये एक एपी सीरीज है, यहाँ पे भी एक एपी सीरीज है, डेफिनेटली एपी सीरीज होगी क्योंकि लीनियर टर्म, ठीक है, लीनियर सिक्वेंसिंग एपी में रहेगा। एन को 1 रखोगे तो आएगा 15, एन को 2 रखेंगे तो 22, ठीक है, एन को 3 रखेंगे 29। तो गाइस यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस मिल रहा है 6, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिल रहा है 7। तो ऐसी सीरीज का फर्स्ट कॉमन टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग? ऐसी सीरीज का फर्स्ट कॉमन टर्म निकालते हैं हम लोग ऐसे। अब यहाँ पे दोनों एन एन में, बट एक को आप वेरिएबल चेंज करके करना पड़ेगा, तो आप ऐसे कर सकते हो, 6n प्लस 7 इज इक्वल टू 7m प्लस 8, ठीक है, तो 6n इज इक्वल टू आ गया 7m प्लस 1, n आ गया 7m प्लस 1 बाई 6। जब m को 5 रखोगे तो n आपको इंटीजर मिलेगा, और m को 5 रखने वाली क्या हो जाएगी? m को 5 रखने वाली होगी 43। तो गाइस 43 आपका फर्स्ट टर्म होगा, तो कॉमन सीरीज का फर्स्ट टर्म 43 निकल आया, जो कि आपको टाइम लगता है निकालने में, ठीक है। अब गाइस कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 6 और 7 का एलसीएम, कभी भी कॉमन एपी सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस होता है कॉमन सीरीज का, वो होता है एलसीएम ऑफ बोथ द, एलसीएम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ बोथ द सीरीज, तो ये 42 होगा, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं इसको ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 42 स्मॉलर देन इक्वल टू 999, ठीक है, 42n स्मॉलर देन इक्वल टू 1000, ये आपका आएगा 23.xx, एन स्मॉलर देन इक्वल टू 23.xx आएगा, एन क्या आएगा? एन आएगा 23, एन आपका आ गया 23, ठीक है। अब एन 23 आ गया तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी? ये एन एथ टर्म था तो ये आ जाएगा आपका 967, ये आपकी वैल्यू आ गई, एट एन स्क्वायर 23 ये आ गया 967, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। सो गाइस ये सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गए हैं, क्वेश्चन सारे अच्छे लेवल के हैं। गाइस स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करो, अभी से स्टार्ट कर दो, गाइस मई जून का वेट मत करो बिल्कुल भी, अगर निकालना है। और ध्यान से आप देखो तो कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है गाइस, पढ़ा होगा तभी निकलेगा, कोई
छोटा मोटा करके नहीं निकलेगा एग्जाम, कि जुलाई में स्टार्ट किया थोड़ा बहुत पढ़ लिया बेसिक हो जाएगा, बेसिक से नहीं होगा गाइस। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में वैरायटी करोगे सारी कवर, पास पेपर्स लगाओ कम से कम 6-7 साल के कैट के, मॉक्स को कम से कम 20 से 25 विद एनालिसिस, ये सब करने के लिए 31 जुलाई का सिलेबस हो जाना चाहिए। अभी भी गाइस चांस है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में करना है। यू कैन चेक आउट अवर एमबीए कंप्लीट कोर्स, एश्योरेंस कोर्स भी है, बाकी कैट कोर्स भी है। कंप्लीट एमबीए कोर्स है, फ्लैगशिप कोर्स है, अभी से लेकर अगले साल में तक के सारे एग्जाम, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपी है, सब कुछ मिलेगा आपको, एवरीथिंग। ठीक है, बाकी गाइस रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। गाइस ये नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो कोई डाउट हो तो, बाकी मॉकजोन.in में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कोर्स की। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।